माँ जगत जननी के प्रिय भक्तों, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी की इस प्रकार वचन सुनकर शुंभ निशुंभ का दूत सुग्रीव क्रोध से लाल लाल आंख करके अपने राजा शुंभ के पास चला गया और जा करके कहता है, अरे राजन, वो तो आपके साथ युद्ध करना चाहती है। इतना सुन करके मारे अहंकार के हंसने लग गया शुंभ और कहता है कि तुरंत हे चंड, हे मुंड, तुम जाओ और उस देवी को प्रेम से एक बार मनाना, यदि नहीं मानेगी तो उसको पकड़ करके यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर अपने राजन का चंड और मुंड गए और जा करके माँ भगवती से युद्ध करना चाहा। तभी माँ दुर्गा काली के रूप में बदल गई और चंड और मुंड नाम के भयानक राक्षस के गले को काट डाली और उनके गले को काट कर चामुंडा देवी का आवाहन करके कहती, अरे चामुंडा प्रकट हो। और प्रकट हो करके मैंने चंड और मुंड नाम के ये दोनों भयानक पशुओं को तुमको बलि दिया है। इस प्रकार से चंड और मुंड का संहार हुआ। जब चंड और मुंड का संहार हुआ तभी धूम्रलोचन नाम के भयानक राक्षस को शुंभ निशुंभ ने भेजा। तभी शुंभ निशुंभ के भयानक धूम्रलोचन राक्षस आया। माँ भगवती उसको हूँ नाम के एक शब्द से हूँ से हुंकार भरी और धूम्रलोचन नाम के महाराक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए और धूम्रलोचन का संहार हुआ। और इस प्रकार से धूम्रलोचन और चंडमुंड के मृत्यु देख करके उन्होंने महिषासुर के छोटे भाई रक्त बीज को रण में युद्ध करने के लिए भेजा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था कि रक्त बीज का एक बूंद रक्त बीज धरती पर गिरेगा तो एक ठो रक्त बीज, 10 बूंद धरती पर यदि रक्त गिरता है तो 10 ठो रक्त बीज, यदि 1,000,00,00,000 बूंद गिरेगा तो 1,00,000 रक्त बीज। इस प्रकार से रक्त बीज युद्ध में आया। माँ भगवती अपने तलवार से रक्त बीज के एक हाथ काटी जिससे बहुत सारा रक्त धरती पर गिरा और उससे बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए। उनको काटी और पैदा हो गए, 100 को काटी तो 1,000,000,000 को काटी तो 1,00,000,000 को काटी तो 1,00,000,000,000 को काटी तो 1,00,000,000,000। इस प्रकार से पूरे धरती पर रक्त बीज ही रक्त बीज भर गए। तब माँ भगवती जगत को धारण करने वाली काली देवी को कहती हैं, हे माँ काली, तुम बड़ी भयानक खप्पड़ लेकर के तैयार हो जाओ और जैसे ही मैं रक्त बीज के गला को काटूं, तुम उस खप्पड़ में जो है उसके रक्त को ले लो और अपना बहुत बड़ा मुख फैला लो और रक्त बीज के हाथी घोड़ा सहित उसके रुधिर सहित पीती जाना। इस प्रकार मारते मारते पहले एक रक्त बीज को मारी और जब अंतिम में एक रक्त बीज बचा तो माँ काली मार करके रक्त बीज को मार गिराई और इस प्रकार से रक्त बीज नाम के भयानक राक्षस का संहार की। जब रक्त बीज भी मारा गया तब तो निशुंभ नाम का भयानक राक्षस बड़ी तलवार लेकर अपने 8 हाथों वाले अस्त्र शस्त्र सजा करके और माँ भगवती से युद्ध करने के लिए आया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया, गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे त्रिशूल के द्वारा काट गिराया और इस प्रकार से दैत्यराज जैसे फरसा उठाए माँ भगवती उसको जो है नष्ट कर दी। तब वो बड़ा भयंकर शस्त्र लेकर के और अपने 8 हाथ से पूरे आकाश को ढक लिया और पूरे दिशाओं को घेर लिया। तब माँ भगवती उस निशुंभ नाम के भयानक राक्षस को अपने तलवार से मार गिराई और इस प्रकार से उस निशुंभ नाम के भयानक राक्षस मारा गया। अपने प्राण से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को मरता हुआ देखकर मारे क्रोध के शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू अन्य स्त्रियों के बल से लड़ती है। माँ बोली, अरे पागल, इस संसार में मैं अकेली हूँ, इस संसार में सब ये मेरे ही विभूतियाँ हैं। तू देख, माँ भगवती हंसते हुए और सभी देवी 64 योगिनियों को सभी को अपने अंदर समावेश कर ली। ये देख करके शुंभ आश्चर्यचकित हो गया। तभी शुंभ मुक्का तान कर और बड़े वेग से दौड़कर युद्ध के लिए गया। माँ भगवती के साथ उसका
खानाखोर युद्ध होने लग गया, अपने सिंह पर चढ़ करके और वो युद्ध करने लग गया। तभी माँ भगवती अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करने लग गई, अपने रथ में चढ़ करके शुंभ भी युद्ध करने लग गया। माँ सिंह में चढ़कर युद्ध कर रही हैं। उसी समय शुंभ अपने माया से माता जी को उठाकर आसमान में ले गया और आसमान में निराधार होकर के माँ के साथ युद्ध करने लग गया। माँ भगवती अब ज़्यादा खेल न खेलकर उस शुंभ नाम के राक्षस को अपने तलवार से मार गिराई और वहीं स्वर्ग से उसको उठा करके धरती में फेंक दी। जैसे धरती में फेंकी, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लग गए और इस प्रकार से शुंभ नाम के भयानक असुर का संहार हुआ। यक्ष नाग गंधर्व सभी नाचने लग गए और चारों तरफ नवरात्र उत्सव मनाने लग गए। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री देवी सप्तशती कथा के अंतर्गत शुंभ निशुंभ वध का चौथा अध्याय का समापन हुआ। माँ के लाल पुरोहित गोपाल की तरफ से जय माता दी। बोले दुर्गे मैया की जय। बोले दुर्गे मैया की जय। ललन साउंड स्टूडियो अनूपपुर की डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति